हेलो एवरीवन, कुछ महीने से आप देख रहे हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार वृद्धि हो रही है। एक ऐसे समय पे जब अर्थव्यवस्था हद से ज्यादा बुरा हाल में है और इस साल भारत का ग्रोथ बढ़ने के बजाय नेगेटिव में जाने का अनुमान है, इसका मतलब है कि हमारा जीडीपी घटेगा। ऐसे समय में विदेशी मुद्रा भंडार का बढ़ने से भारत के एक वर्ष से अधिक के इम्पोर्ट बिल को कवर कर सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर यह बढ़ क्यों रहा है। अगर आप डेटा देखें तो पिछले 10 महीने में 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा का विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई है। आपके हर सवाल के उत्तर मिलेंगे, आप वीडियो को अंत तक देखें, वो भी बिना स्किप किए। जुलाई के महीने में सिर्फ 11.9 बिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ इस समय भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 534.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। इसके साथ ही भारत पांचवी स्थान तक पहुंच गया है, चीन, जापान, स्विट्जरलैंड और रूस के बाद। 20 दिसंबर 2019 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती किया था, जिसके बाद से काफी तेजी से विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट वजह है, एक एक करके आपके सामने रखता हूँ। पहला कारण है कॉर्पोरेट टैक्स के कटौती के बाद FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इनफ्लोस तेजी से बढ़ा है। अप्रैल से दिसंबर 2019 तक FPI ने 15.1 बिलियन डॉलर का निवेश किया। आप FDI और FPI में कंफ्यूज मत होना। FPI में कोई इन्वेस्टर जनरली मार्केट शेयर में इन्वेस्ट करता है, वहीं FDI में डायरेक्ट किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, जैसे फेसबुक गूगल ने हाल में ही रिलायंस जियो में इन्वेस्ट किया। दूसरा कारण है लंबे समय से कच्चे तेल के कीमत में कमी बनी हुई है, जिसका सीधा फायदा विदेशी मुद्रा भंडार को मिल रहा है, क्योंकि कच्चे तेल के लिए भारत को डॉलर में पैसा चुकाना पड़ता है। तीसरा कारण है जब से कोरोना वायरस फैला है तब से व्यापार प्रभावित हुआ है, उसके वजह से जो पैसा भारत सरकार कई सामान को आयात करने में लगाती थी उसमें भी कमी आई है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक, सोना और कच्चे तेल के लिए। चौथा बड़ा कारण है FDI इन्वेस्टमेंट। सितंबर 2019 से लेके मई 2020 तक करीब 30 बिलियन डॉलर का FDI आया है भारत में। एक सवाल आपके मन में जरूर आता होगा, अच्छा ठीक है विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है, लेकिन इससे क्या फायदा है आम लोगों को और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए? इसका सिंपल आंसर है, अगर अचानक कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होती है तो भारतीय अर्थव्यवस्था को तत्काल प्रभाव से बचाने के लिए यह विदेशी मुद्रा भंडार काम करेगा। उसके साथ साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि हम 50 बिलियन डॉलर तक इन्वेस्ट कर सकते हैं रुपये की मजबूती को बनाए रखने के लिए। जितना ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा उतना ज्यादा रुपये डॉलर के मुकाबले मजबूत होगा और इसका सीधा फायदा आम लोगों को मिलेगा, खास करके पेट्रोल, डीजल और सोने की कीमत में गिरावट।